हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू बायोलॉजी बाय नेहा। और इन टुडेज वीडियो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन म्यूकर एंड राइजोपस। ठीक है, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूकर और राइजोपस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, वो दोनों किस किस तरीके से, किन किन क्या क्या उसमें जो पॉइंट्स हैं जो उन दोनों को अलग करते हैं। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो उनमें बहुत से सिमिलैरिटीज हैं, बट कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं जिससे उन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपको ऐसी वीडियोज आगे मिलती रहे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम जान लेते हैं राइजोपस के बारे में। ठीक है, राइजोपस और म्यूकर दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे कि उनमें क्या क्या डिफरेंस है। देखो, ये सबसे पहले देखते हैं कि राइजोपस में हमें क्या देखने को मिलता है, कि राइजोपस का जो माइसीलियम होता है ना, वो किस में डिफरेंशिएट होता है? थ्री टाइप्स में। ठीक है, थ्री काइंड का हमें उसमें माइसीलियम देखने को मिलता है, यानी कि उसका माइसीलियम में क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है। स्टोलन्स होते हैं, राइजोइड्स होते हैं और स्पोरेंजियोफोर होते हैं। ठीक है, स्टोलन, राइजोइड्स एंड स्पोरेंजियोफोर। बट अगर हम वही म्यूकर का राइजोपस सॉरी म्यूकर का माइसीलियम देखें, तो म्यूकर के माइसीलियम में हमें ऐसा कुछ भी राइजोइड्स, स्टोलन और स्पोरेंजियोफोर देखने को नहीं मिलेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि अगर आपको दो स्लाइड दी गई है और उसमें एक में राइजोपस रखा है, एक में म्यूकर रखा है, तो आप लोगों को पहचानना है कि वो क्या है। अगर आपको स्टोलन दिख रहे हैं या फिर राइजोइड्स दिख रहे हैं या स्पोरेंजियोफोर, तीनों चीजें एक साथ दिख रही है, तो दैट मीन्स वो क्या होगा? हमारा राइजोपस होगा। अगर आपको उसका माइसीलियम डिफरेंशिएटेड नहीं दिख रहा है, एक ही टाइप का दिख रहा है हाइफी, तो वो क्या होगा? म्यूकर होगा। ठीक है, तो राइजोइड्स, स्टोलन और स्पोरेंजियोफोर क्या होता है वो हम देख लेते हैं कि ये क्या हमारा स्पोरेंजियम है। ठीक है, ये स्पोरेंजियम है और ये स्पोरेंजियोफोर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ऐसा करके राइजोइड्स होंगे और एक स्पोरेंजियोफोर दूसरे स्पोरेंजियोफोर से क्या होगा, अटैच होगा, तो इसको हम बोलते हैं स्टोलन। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा स्पोरेंजियम हो गया, प्लीज इग्नोर माई राइटिंग। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा स्पोरेंजियम हो गया, और ये क्या हो जाएगा, स्पोरेंजियो फोर हो जाएगा, स्पोरेंजियो फोर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, राइजोइड। ओके, और ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या हो जाएगा, स्टोलन। ठीक है, बट ये हमें यहाँ म्यूकर के केस में देखने को नहीं मिलेगा। म्यूकर के केस में हमें सीधे ये मिलेगा और यहाँ पे फिर दूसरी हाइफी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। ओके, सेकंड पॉइंट है कि राइजोइड्स क्या होते हैं, राइजोपस में राइजोइड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, राइजोइड, ये आपको ये दिख रहा है, ये राइजोइड क्या होंगे, राइजोपस के केस में प्रेजेंट होंगे, बट म्यूकर में राइजोइड्स क्या होते हैं, एबसेंट होते हैं। यहाँ पे आपको कोई राइजोइड देखने को नहीं मिलेंगे। तो राइजोइड अगर एबसेंट है तो जो एब्जॉर्प्शन का काम वो कौन करेगा, एब्जॉर्प्शन जो होगा वो सारा माइसीलिया का जितना भी पार्ट है वो एब्जॉर्प्शन करेगा। ठीक है, बट राइजोपस के केस में एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, राइजोपस करता है, राइजोइड करता है। राइजोपस के केस में एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, राइजोइड करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो वो है फूड मटेरियल इज एब्जॉर्ब मेनली बाय राइजोइड। ये मैंने आपको बता दिया कि राइजोपस के केस में फूड का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो उसका वो कौन करेगा, ठीक है, उस काम को कौन परफॉर्म करेगा, राइजोइड करेगा। बट यहाँ पे राइजोइड अगर एब्सेंट है तो वो जो एब्जॉर्प्शन का काम है वो जितना भी माइसीलियल है वो पूरा माइसीलियम करेगा। ठीक है, एंटायर माइसीलियम। नेक्स्ट जो है, स्पोरेंजियो फोर अकर इन टफ्ट अपोजिट टू राइजोइड। जो स्पोरेंजियो फोर है, ये स्पोरेंजियो फोर क्या होगा, टफ्ट में अकर करेंगे और जस्ट अपोजिट टू राइजोइड, राइजोइड के जस्ट अपोजिट होंगे। ठीक है, और टफ्ट में होंगे, एक साथ होंगे। बट यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, स्पोरेंजियो फोर जो होता है वो सिंगली अकर करता है। ठीक है, अकेले अकेले, एक स्पोरेंजियो फोर यहाँ पे हो गया, दूसरा इधर डेवलप हो जाएगा, तीसरा इधर डेवलप हो जाएगा, अकेले वो टफ्ट में डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, और कहीं भी माइसीलियम के कोई भी पार्ट से डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइजोइड तो एब्सेंट होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि राइजोइड के अपोजिट ग्रो करें, या कहीं पे भी जहाँ पे उनकी मर्जी आएगी वो वहां पे ग्रो करता है। ठीक, बट यहाँ हमें देखने को मिलता था कि राइजोइड के जस्ट अपोजिट ग्रो करेंगे स्पोरेंजियो फोर। और म्यूकर में एक और चीज देखने को मिलती है कि जो म्यूकर के स्पोर होते हैं वो जब डिस्पर्जल होता है स्पोर का, तो स्पोर्स क्या होते हैं, कॉलुमेला से अटैच रहते हैं। ठीक है, स्पोर्स रिमेन अटैच टू कॉलुमेला। अब जब ये स्पोर का ऐसे डिस्पर्जल होता है, ये हमारा म्यूकर है, ठीक है, ये इसका प्रोस्टेट हाइफी हो गया, ये स्पोरेंजियो फोर हो गया, और यहाँ पे कॉलुमेला होती है, ये वैक्यूलेटेड पार्ट। ठीक है, यहाँ पे वैक्यूल्स का प्रेजेंस होगा, इसको हम बोलते हैं कॉलुमेला, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलुमेला। यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्पोर्स होंगे यहाँ पे क्या होता है, अटैच रहते हैं। ठीक है, स्पोर्स आर अटैच्ड विद द कॉलुमेला। जब स्पोर्स का डिस्पर्जल होता है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये क्या हो गया, ये वॉल रप्चर हुई, ये यहाँ पे कॉलुमेला था, तो स्पोर्स क्या रहते हैं यहाँ पे, ऐसे करके अटैच रहते हैं ये। ठीक है, स्पोर्स यहाँ पे अटैच रहते हैं। ये डिफरेंस है म्यूकर और राइजोपस में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा, इस वीडियो से आपका जो डिफरेंस है म्यूकर और राइजोपस में वो क्लियर हो गया होगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक टू माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूं मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।